सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया, 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और सिर्फ 3 चीजें लगती हैं बनाने में। जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को झटपट बना के खा सकते हैं और टेस्टी इतनी है कि बस पूछिए मत। आप बाजार से 1000 रुपये किलो की भी मिठाई खरीदोगे ना, वो भी इसके आगे फीकी है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये मिठाई है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक पतीला ले लेंगे और इसमें डाल लेते हैं 1 कप पानी। इसमें फ्लेवर के लिए 2 इलायची डाल देते हैं। पानी जब हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 कप से थोड़ी कम, ये देखिए वही कप है, 1 कप से थोड़ी कम हम इसमें चीनी डालेंगे। और बहुत ज़्यादा मीठी पसंद हो तो आप 1 कप डाल लीजिए और कम मीठी पसंद हो तो 1/2 कप भी डाल सकते हैं। और चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसमें हमने कोई चाशनी नहीं बनानी, 1 तार 2 तार की चाशनी का कोई झंझट नहीं है, ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है। इसको बस हमने शुगर सिरप बना के तैयार करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो 2 मिनट इसको और उबाल लेंगे। बस ये शहद जैसी चिपचिपी हो जानी चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये लेमन फूड कलर डालेंगे अच्छा कलर आने के लिए। ये सिर्फ कलर के लिए है, आप चाहें तो इसमें थोड़े केसर के धागे भी डाल सकते हैं, उससे भी थोड़ा येलो येलो कलर हो जाएगा। जब ये थोड़ी देर उबल जाए तो इसको हाथ से इस तरह मसल के देखना, आपको ये चिपचिपी और चिकनी चिकनी लगनी चाहिए। तो ये शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए मैंने ये मलाई ले ली है, ये ताज़ा मलाई है और आपने ताज़ा मलाई ही लेनी है। ये आज ही जो सुबह दूध मैंने उबाला था उस पर जो मलाई आई थी वो ही ली है। तो इसको इस तरह चम्मच से एक बार फेंट देते हैं ताकि इसमें जो टुकड़े हैं वो मैश हो जाएंगे। और ये देखिए अब डालेंगे इसमें, ये मैंने बूरा ली है, ये जैसे बिल्कुल पाउडर शुगर होता है। अगर बूरा ना हो घर में तो आप चीनी पीस के भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं ये 5-6 चम्मच बूरा डाल देती हूँ। और ये दूसरी चीज़ ली है मैंने, डेसिकेटेड नारियल है, ये नारियल का बुरादा भी बोलते हैं, ये भी हम इसमें 3-4 चम्मच डाल देंगे। और इसमें 7-8 काजू बारीक काट लिए हैं, ये डालेंगे, और 7-8 बादाम बारीक काट के डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो मलाई वाला मिश्रण हमने बनाया है ये पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और आपको पतला लगे तो और डेसिकेटेड नारियल डाल लीजिए। पतला नहीं होना चाहिए, ये गाढ़ा ही होना चाहिए, नहीं तो ये बाद में फिर लगाएंगे तब परेशानी करेगा, बह जाएगा, निकल जाएगा। और अगर घर में मलाई ना हो तो आप मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं, मिल्क पाउडर में थोड़ा दूध डाल के बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको मिक्स कर दिया है और इसको भी अब फ्रीज में रख देंगे ताकि ये भी ठंडी रहे। तो ये देखिए ये मैंने लिए हैं ब्रेड, ये वाइट वाले ब्रेड हैं। वाइट वाले ब्रेड इसलिए लिए हैं ताकि कलर अच्छा आए, नहीं तो आप जो भी आपको पसंद हो ब्राउन वाले आटे वाले जैसे भी आपको पसंद हो वो वाले ब्रेड ले लीजिए। तो अब हम ब्रेड को गोल काटेंगे। आप कोई भी गिलास ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, गोल शेप हम इसकी देंगे। तो ये देखिए गिलास से इस तरह काट देंगे, बड़ी आराम से कट जाता है। ये देखिए इस बार मैंने 3 लिए हैं, तीनों को एक साथ ही काट देंगे, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम काट लेंगे इन्हें, जितने भी आप बनाना चाहते हो उतने आप पीस काट लीजिए। मैंने यहाँ 7 बना के ये तैयार कर लिए हैं। अब ये शुगर सिरप भी हमारा ठंडा हो चुका है, ये ठंडा ही होना चाहिए, और मलाई भी मैंने फ्रिज में रख दी थी, ये भी ठंडी है। तो अब एक ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर ये जो मिक्सर हमने बनाया है मलाई वाला ये लगा देंगे। अच्छा लगा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके ऊपर एक दूसरा ब्रेड का पीस रख दीजिए, हल्का हल्का इस तरह दबा दीजिए और इस शुगर सिरप में डुबोइए। डुबो के नहीं रखना है, डुबोते ही निकाल लेना है। इसको इस तरह निकाल लीजिए और ये डेसिकेटेड नारियल है, ये डेसिकेटेड नारियल इसके ऊपर हम कोट कर देंगे, इसमें लपेट देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप, एक चमचम ये हमारी ये ब्रेड चमचम है, ब्रेड चमचम बनके तैयार हो गई है। और इस तरह से हम सारी ये चमचम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये 7 बना ली हैं। तो ऊपर से थोड़ा गार्निश कर देंगे, थोड़ा पिस्ता लगाएंगे और थोड़ी ये मेरे पास चेरी हैं, चेरी भी लगा देंगे। आप अपनी मनपसंद गार्निश कर सकते हैं, केसर के धागे भी डाल सकते हैं। और ये देखिए भाई बिल्कुल कमाल है, कितनी सुंदर लग रही हैं, मेरा तो देख के ही मन खुश हो गया। और खाने में तो ये बेहद टेस्टी होती हैं। ये रेसिपी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, वीडियो नहीं बनाती तब भी बनाती हूँ घर में, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।